स्टूडेंट्स बच्चों, हम आप लोग कोऑर्डिनेशन के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये लास्ट टॉपिक है और ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 11th में शायद आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। इसको डी फॉर्म बोलते हैं स्मॉल और इसको बोलते हैं एल फॉर्म। क्या होती है वो, जब हम ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे तब ये पार्ट बिल्कुल 100% क्लियर होगा। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स में कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो निकालना मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। मेन है कंडीशंस। पहली बात तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मिरर इमेज। जैसे ये कोई लेटर पी है, ये हमने लगाया मिरर। अब अगर आप इसकी इमेज बनाना चाह रहे हो तो इसको ऐसे पलट के रखोगे, ऐसे था ऐसे रखोगे, ये पी की जो इमेज बनेगी तो ऐसी बनेगी, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। जब मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट वहां राइट दिखाई देता है और हमारा राइट वहां लेफ्ट में दिखाई देगा। अब ये इमेज को ऊपर उठाओ ऐसे बिल्कुल, इसके ऊपर लेके आओ, अगर एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाती है ऐसे तो हम कहेंगे सुपर इम्पोज हो रही है, और अगर इसके ऊपर पूरी पूरी नहीं आती है, जैसे ये इस समय ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं और इस समय सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एग्जैक्ट ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल इमेज है, और एग्जैक्ट ऊपर नहीं आए तो हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको उठाओ, इसके ऊपर नहीं आ रहा है पूरा पूरा, ये लाइन तो आ रही है लेकिन ये वाली चीज इधर आएगी ऊपर, तो पी की जो इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर हम ये लेते ए, इसकी जो इमेज बनती वो ये बनती, इसको इसके ऊपर लेके आओगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड हो, कम से कम एक हो बाइडेंटेड लिगेंड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसकी जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज ना हो तो वो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। दो उसके फॉर्म होंगी, एक को बोलेंगे डी और एक को बोलेंगे एल। किसी को अगर इसको डी बोल दोगे तो ये एल हो जाएगी, इसको एल बोल दोगे तो ये डी हो जाएगी। थ्योरेटिकली हम नहीं बता पाते हैं कौन सा डी है कौन सा एल है, प्रैक्टिकली हम बता पाते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ऑब्जेक्ट डी है तो जो उसकी इमेज है वो एल होगी, अगर ऑब्जेक्ट एल है लीवो रोटेटरी है तो जो उसकी इमेज होगी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। मैं इसके लेता हूं एग्जाम्पल्स, बाकी आप बुक से भी थोड़ी हेल्प लोगे इस टॉपिक को पढ़ने में, फिर भी जो प्रॉब्लम होंगी तो कल तक आप मुझे ग्रुप में सेंड कर दो। हमने एक कंपाउंड लिया Ma2 AA का होल ट्वाइस, ये ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 ये और 2 ये, 6 हो गया बनाओ। एक इसका स्ट्रक्चर ये बना, ये अगर वैसे देखें तो ये सिस फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहां पे ट्रांस एक ही जगह है, और इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं ट्रांस वाला, इसकी इमेज बनाएंगे, इसकी पहले इमेज बना लेते हैं, वो थोड़ा साइड में हो रहा है साइड कट हो रहा होगा आपको दिखाई नहीं देगा, मैं एक ही में दोनों बना।
हमने जो कंपाउंड लिया वो ये लिया Na2 Aa का होल ट्वाइस। अब इसका रिजल्ट यहां पर ये हमने ले लिया इसका एक सिस आइसोमर, सिस और ट्रांस हम लोग बच्चों डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये हमने ले लिया इसका ट्रांस। पहली कंडीशन ओके है, एटलीस्ट वन बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए और यहां तो दो है, हमें तो एक से मतलब था। इसकी इमेज बनाओ, जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो इसको ऐसे पलट के रख दोगे, बिल्कुल ऐसे। अब आप देखो कि कैसे इमेज बन के आएगी, ये चीज यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी और ये देखो इसकी इमेज बन रही है। अब इस इमेज को उठा के लेके आओ, क्या ये इसके ऊपर आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये स्मॉल ए आएगा इस कैपिटल ए के ऊपर, यानी सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। दोनों कंडीशंस ओके हो गई, एक बाइडेंटेड लिगेंड भी था और इसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। अगर ये डी है तो ये एल हो जाएगा, अगर ये एल है तो ये डी हो जाएगा, यानी दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म इस कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ट्रांस पे डिस्कस करते हैं। इसकी इमेज बनाएंगे बच्चों, पलट के इसको ऐसे रख दो, जब ऐसे रख दोगे तो ये आ जाएगा। इस इमेज को ऊपर उठाओगे तो एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगी। देखो ये ए इसके ऊपर आ गए, ये लाइन भी आ गई, ये दोनों ए यहां पे आ गए, ये लाइन भी आ गई, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। तो यहां पर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई और सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी इस कंपाउंड की सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी और ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। फिलहाल अगर ये कहा जाएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो आप कहोगे हाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा।